मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं, तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ। मुझे घर ले गए अपने। घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे एकदम अपना लिया। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया। 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने। ये आपका हरियाणा प्रदेश, किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ आकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। दिल्ली तो पास में ही है, आना जाना काफी हो जाता है। मेरे बच्चे गुड़गांव में पढ़े, मेरा अपना भी अनुभव है आपके प्रदेश का। मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ सालों पहले, लगभग 8 साल पहले, मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी, तब वो हरियाणा प्रदेश के लिए बास्केटबॉल खेली, तो वो भी खेल कूद में तेज है। जब उसको यहाँ आना था एक कैंप के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चाह रही थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले सीखे, तो मैंने कहा मैं छोड़ आती हूँ। मैं यहाँ आई, सोनीपत के पास एक जगह थी जहाँ पे स्कूल में कैंप था, कोचिंग का कैंप था, तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कैंप में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूँ और वो चली जाएगी और शाम को मैं आके ले लूँगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है, सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में, यहाँ सोनीपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं, तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षाकर्मी दूर थे, बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना, कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सिखाया मुझे। थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतज़ार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊँगी, वहीं बैठ जाऊँगी, पूरा दिन इंतज़ार करना है मुझे। तो दादू के साथ मैं घर चली गई। मुझे घर ले गए अपने। घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थीं। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया।
और कहा कि आप तो प्रियंका हैं। तो अब मैं भी, मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी अचानक मुझे लगा मैंने कहा। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और पराठे बनाने लग गई सबके लिए, खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूँ कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे, ये नौकरी दिलवा दो, एक काम करा दो, कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूँ हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है उसके बीच जो रिश्ता रहा है उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है। एक और बात बताती हूँ, मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थी जो उसकी टीम में थी। यहां से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई, मैंने कहा मम्मी हूं जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी, बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ, वो वहां पे 4-5 जिन जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था, छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके, 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से, टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया। मेरी बेटी घर आके मुझे कहती है माँ 102 बुखार था उसको, अगर मुझे बुखार होता तो तुम घर ले आती, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने, हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूं कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है, हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है, पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना, माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप।